अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, यहाँ पर मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर आई थी, तो उनको मैं जार में डाल रही हूँ। हम सब लोगों को ड्राई फ्रूट बहुत पसंद है, मेरी बेटी बहुत शौक से खाती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, और इस वजह से मैं हर वक्त इनका स्टॉक रखती हूँ। और ड्राई फ्रूट्स के अगर आप फ़ायदे देखें तो वो तो बेशुमार हैं। बच्चों को शुरू से ही आप ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत डालें, जैसे हम उनको फ्रूट्स देते हैं, सब्जियां देते हैं और चिकन और मीट देते हैं, उसके साथ साथ उनको ड्राई फ्रूट्स खाने की भी आदत शुरू से ही डाल देनी चाहिए। तो जी, आज की जो रेसिपी है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है प्रोटीन सैलड। और इस सैलड के बेशुमार फ़ायदे हैं, जिन लोगों को वेट का प्रॉब्लम है और वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये सैलड बहुत ही मुफीद है। तो जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है कोकम्बर, और आप उसको अच्छी तरह से पहले धो लें और उसके छिलके बिल्कुल मत उतारें, क्योंकि जो छिलके होते हैं कोकम्बर में, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और जिसको हम छील कर तो ज़ाया कर देते हैं। तो आपने कोकम्बर को छिलके के साथ ही इस्तेमाल करना है, और उसको इस तरह आपने काट लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कोकम्बर को अच्छी तरह काट लिया है, और अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टमाटर। तो टमाटर को आप जब भी इस्तेमाल करें सैलड में, तो आप उसके सीड्स बिल्कुल ना डालें सैलड में, क्योंकि इसके जो सीड्स हैं उसमें अगर आप उनको कच्चा खाएंगे तो वो प्रॉब्लम कर सकते हैं, और इसलिए आप टमाटर को सीडलेस कर लें और फिर उसको काटें। टमाटर में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो वेट लूज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो जी, बस इसको भी आप क्यूब्स की तरह से काट लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे लेटस लीफ लिए हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से धो लें। लेटस लीफ जो है, इनमें काफ़ी फाइबर और विटामिंस होते हैं, और इसमें नमी होती है जो बॉडी में पानी की कमी को दूर करती है, और इसके अलावा ये डाइजेशन के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है ब्रोकली। ब्रोकली जो है, काफ़ी इसमें एंटीऑक्सीडेंट और प्रोटीन होता है, तो चूँकि ब्रोकली को हम कच्चा तो यूज़ नहीं कर सकते, तो इसको हम स्टीम कर लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रोकली को बॉयल कर लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो भी उसके विटामिंस और जो भी उसमें फ़ायदेमंद चीज़ें हैं वो सब ज़ाया हो जाती हैं। तो जी, यहाँ पर मैंने ली है रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम। रेड एंड ग्रीन कैप्सिकम का फ़ायदा ये है कि ये कैलोरीज को बर्न करती हैं और वेट लूज़ करने में ये बहुत ज़बरदस्त हैं। सो जो लोग भी अपना वेट कम करना चाहते हैं, वो अपने सैलड में इन दोनों। उसके बाद मैंने एक पैन में पानी गर्म कर लिया है, और जो ब्रोकली और कैप्सिकम मैंने काटे थे उनको मैंने यहाँ एक छलनी में डाल दिया है, और ये इस पानी में मैं इनको स्टीम कर लूँगी। तो आप कोई भी लिड ले लें जिसके साथ आप इसको ढक दें, तो उस तरह से ये क्या होगा कि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएंगी, और ज़्यादा देर नहीं आपने इनको स्टीम करना, सिर्फ 3 से 4 मिनट आपने इनको स्टीम करना है, और फिर आपने इनको उतार लेना है। उसके बाद मैंने इधर एक प्याज लिया है, और प्याज मैंने आधा लिया है, और इसको मैंने काट लिया है जैसे भी। अगर आप मुझे ज़्यादा पतला पतला पसंद है प्याज, तो मैंने इसको काफ़ी फाइन चॉप किया है। प्याज में भी काफ़ी कैलोरीज होती हैं, और ये भी बहुत ज़बरदस्त है आपके वेट को कम करने के लिए। तो जी, अब मुझे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और जो सब्ज़ियाँ मैंने रखी हुई थी स्टीम के लिए वो बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इनको उतार लूँगी और सैलड में डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब्जियों को सैलड में शामिल कर दिया है, और उसके बाद अब मैं जो दूसरी चीज़ें हैं वो इसमें शामिल करूँगी। तो जी, यहाँ पर ये मैंने कुछ ऑलिव्स लिए हैं। ऑलिव्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, इसको भी आप अपने सैलड में ज़रूर डालें, इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन ऑलिव्स लिए हैं। इसके बाद अब मैं इसमें डालूँगी
पीनट, और यहाँ पर मैं रोस्टेड पीनट ले रही हूँ, और आप इसको सैलड में शामिल कर दें। पीनट्स भी बहुत हाई प्रोटीन नट्स हैं और ज़बरदस्त हैं आपकी वेट को लूज़ करने के लिए, और इसके अलावा आपकी एपिटाइट को कंट्रोल करने के लिए भी पीनट बहुत ज़बरदस्त हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीज़, और मैं यूज़ कर वाइट चीज़। चीज़ बहुत ही फ़ायदेमंद है, और अगर कोई अपने मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहता है तो वो चीज़ का इस्तेमाल करे। तो जी यहाँ पर मैं सैलेड के लिए ड्रेसिंग बना रही हूँ, और उसके लिए मैंने लिया है ऑलिव ऑयल। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, और कोई भी दूसरा ऑयल मत यूज़ करें। तो जी इस ऑलिव ऑयल में अब मैं डालूँगी नमक। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखें, जितना भी आपको पसंद है। उसके अलावा मैं इसमें डालूँगी ब्लैक पेपर, और इन दोनों चीज़ों को इस ऑलिव ऑयल में मिक्स कर दूंगी, और जितनी भी ड्रेसिंग मुझे अपने सैलेड के लिए चाहिए वो मैं इस्तेमाल करूंगी। और यहाँ पर मैंने जो ड्रेसिंग बनाई है उसको मैं सैलेड में डाल रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, और बिल्कुल अब मेरा जो प्रोटीन सैलेड है वो तैयार है, और बहुत ही मज़े का बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। सैलेड के तो बेशुमार फ़ायदे हैं, और अगर आप ये सब चीज़ें इसी तरह से बनाएंगे तो इसका फ़ायदा डबल हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो जी अभी ये शाम का टाइम है, और हमने डिनर पे जाना था, तो बस हम निकल रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं इसकी भी वीडियो बना लेती हूँ। आजकल गर्मियाँ हैं और दिन बहुत लंबे हैं, ऑलमोस्ट 8:30 बजे यहाँ पर सनसेट है, और बहुत देर तक बस रोशनी रहती है। अभी भी ऑलमोस्ट 8:30 से ज़्यादा का टाइम है, और अभी तक भी ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तक रोशनी है आसमान पर और बिल्कुल अंधेरा नहीं हुआ। तो जी बस अभी हम जा रहे हैं, ड्राइव का मज़ा ले रहे हैं। ये सामने हमारे जो सिटी में है टेबल माउंटेन है, और बस जी अब हम होटल के पास पहुंच चुके हैं। और आजकल तो दिसंबर की वजह से आप जिधर भी जाते हैं बहुत रौनक मिलती है, तो यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है, और अब हम अपनी फूड का इंतज़ार कर रहे हैं। इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत मज़े का है, और हम जब भी यहाँ आते हैं हम यहाँ आकर चिकन टिक्का ही ऑर्डर करते हैं, ये ज़्यादा हमें बहुत पसंद है। और इसके अलावा कुछ करीज भी इनकी बहुत ज़बरदस्त हैं, और हमारे हम चूँकि हमें अपने स्टाइल के खाने ज़्यादा पसंद हैं, पाकिस्तानी इंडियन स्टाइल के खाने, तो बस हम जो भी इस तरह का रेस्टोरेंट होता है वो हम ढूँढ लेते हैं और वहीं जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर हम अपना डिनर मज़े से खा रहे हैं, और उसके बाद हमारा दिल किया कि हम कुछ मीठा खाने खरीद लिए। उसके बाद हम एक लॉन्ग स्ट्रीट थी हमारे टाउन में ही है, बहुत ज़बरदस्त बार रौनक सी जगह है, तो हमने कहा क्यों ना वहाँ चलें, थोड़ी सी वॉक भी हो जाएगी, आउटिंग भी हो जाएगी। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो इतना रश था, तो लेकिन तो बस हम इधर उधर घूमते रहे, मज़े से इंजॉय करते रहे। तो ये वहाँ पर मैंने एक देखा कि एंटीक शॉप थी, तो ये अफ्रीका की जो भी इनका कल्चर है उस तरह की ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी, तो मैंने कहा चले कोई नहीं विंडो शॉपिंग ही कर लेते हैं। बस दफ़ा ऐसा होता है कि आप का इरादा तो नहीं होता शॉपिंग का, लेकिन आप बस कहीं जाते हैं और कुछ ना कुछ आपको पसंद आ जाता है और आप उसको ले लेते हैं। तो बस जी हम यहाँ घूम फिर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, और अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो बस हमने कहा कि अब हम घर चलते हैं। काफ़ी मज़ा हो गया, मज़े का दिन गुजर गया। तो जी आपको होपफुली मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।